सुन रहे हैं? तो दोस्तों सबसे जरूरी बात तो मैं आपको अब बताने वाला हूं, अगर आप दुबई जा रहे हैं तो वहां पे कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप जानते रहेंगे तो आपकी जर्नी बहुत ही अच्छी बीतेगी और मैं सच बोल रहा हूँ आप बहुत इंजॉय करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वहां पे तलाबाद एक ऐप है जो फूड डिलीवरी करता है, जैसे इंडिया में जोमेटो है। अगर जोमेटो वहां पे आप यूज करेंगे तो वो भी तलाबाद की सर्विस यूज करेगा। तो अगर आप अपने होटल में या आप किसी के घर रुके हुए हैं वहां पे कुछ खाना मंगाना चाहते हैं तो तलाबाद इज द बेस्ट ऑप्शन यू हैव। सेकंड नंबर पे वहां पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है, लेफ्ट हैंड ड्राइव मतलब इंडिया से जस्ट उल्टी ड्राइव। वहां पे अगर आपको पैदल रास्ता क्रॉस करना है तो पैदल रास्ता क्रॉस करने के लिए वहां पे रूल्स हैं, आपको सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से ही पैदल रास्ता क्रॉस करना है। सपोज करिए मुझे यहां से इस तरफ जाना है तो मैं इस तरफ अपने लेफ्ट साइड में मैं एक बूथ देखूंगा, जो बूथ ठीक ठीक जैसे हम लोग बचपन में रेलवे स्टेशन पे अपना वेट चेक करते थे ठीक उसी तरीके थोड़ा सा छोटा रूप एक बूथ होगा जहां पे आप वॉक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का जो सिग्नल है उसमें जो ये भाई साहब बने हुए हैं ये ग्रीन हो जाएंगे। हो सकता है उसमें 10 से 15 सेकंड लगे जैसा उनका सिस्टम बना हुआ है, लेकिन आपको यहाँ प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो सिग्नल ग्रीन कभी नहीं होगा, आप रास्ता नहीं क्रॉस कर पाएंगे, गाड़ियां जाती रहेंगी और यकीन मानिए गाड़ियां इतनी तेज चलती हैं कि आप नहीं रास्ता क्रॉस कर सकते और कोई भी फुट ओवर ब्रिज या अंडर पास नहीं बना हुआ है। तो आपको इसको बटन को दबा के ही रास्ता क्रॉस करना है और उस तरफ जाना है और जेब्रा क्रॉसिंग पे ही चलना है। ये एक बात हो गई। तीसरी बात, वहां पे गोल्ड बहुत सस्ते हैं। सही सुना है आपने, वहां गोल्ड बहुत सस्ते हैं। इंडिया के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो 4,000 से 5,000 रुपीस लेस हैं और गोल्ड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, इंडिया की गोल्ड क्वालिटी से काफी बेटर होती है। तो वहां पे अगर आपको जाना है तो वहां पे करामा करके एक मार्केट है जिसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा आपको बताऊंगा, आप वहां से जाके आप देख सकते हैं, करामा मार्केट में आप गोल्ड की शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, गोल्ड की शॉपिंग करने के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गोल्ड हो या फिर कोई महंगी वॉचेस हो या महंगे ग्लासेस हो या महंगे शूज हो, कुछ भी ऐसे ब्रांडेड कपड़े आप या सामान आप लेते हैं तो वहां पे पक्का बिल बनवाइए और बिल के ठीक पीछे आप वैट रिटर्न का इंफॉर्मेशन स्टैंप लेके एक दुकान से निकलिए, क्योंकि ये जो वैट गोल्ड का जो वैट रिटर्न है 5% वैट रिटर्न है दुबई गवर्नमेंट का, जब आप दुबई से किसी और कंट्री में जाते हैं तो ये 5% आपका जो वैट है, या आपको जब आप एयरपोर्ट जाएंगे आप अपने देश को जाने लगेंगे चाहे वो किसी भी कंट्री से हो तो वो 5% आपको वैट रिटर्न आपके डेबिट कार्ड के नंबर पे भेजते हैं। तो इसलिए दुकान से आपको वैट रिटर्न का कागज पक्का बिल लेना ही लेना है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप कच्चा बिल लेके जाएंगे या वैट रिटर्न का उसमें स्टैम्प नहीं लगा हुआ है तो एयरपोर्ट पे आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपको वैट रिटर्न नहीं होगा। कोई इमरजेंसी होती है तो वहां पे 911 का नंबर है जैसे अमेरिका में है, आप कॉल करके बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं और यकीन मानिए कि वहां के एजेंसीज बहुत एक्टिव हैं, विद इन 5 मिनट वो आपके सुविधा के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप वहां पे थोड़े खाने पीने के शौकीन हैं जैसे मैं हूं तो वहां पे आपको जाना चाहिए और वहां पे आपको मंडी बिरयानी और कब्जा बिरयानी ट्राई करना चाहिए। ये खब्जा बोला जाता है, हम लोग हिंदी में कब्जा बोल देते हैं, लेकिन ये खब्जा बिरयानी और ये मंडी बिरयानी है, ये वहाँ की डेलिकेसी है, वहाँ की बहुत फेमस है। और शौरमा तो वहाँ पे है ही, शौरमा भी आप ट्राई कर सकते हैं और बाकी वहाँ की जो डेलिकेसी है मंडी और खब्जा बिरयानी आपको जरूर खानी चाहिए। वहाँ पे कैमल की भी बिरयानी मिलती है, सही सुना आपने दोस्तों, वहाँ पे कैमल की बिरयानी मिलती है, लोग खाने वाले खाते हैं। अगर आप कैमल पसंद करते हैं, आपको इंटरेस्टेड है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये पॉइंट है, वहाँ पे आप जब भी जाएं तो आपको शूज़ अच्छे क्वालिटी का लेना ही चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ट्रेवल करना पड़ेगा, बहुत वॉक करना पड़ेगा, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि कई जगह आपको वॉक करना पड़ता है और टैक्सी के फेयर इतने ज़्यादा हैं कि आपको लगेगा कि यार मैं वॉक ही कर लूँ। तो इसलिए आपका शूज़ हमेशा अच्छे क्वालिटी का हो, आप बाहर निकलें तो कायदे का शूज़ पहन के निकलें, अगर आप गर्ल हैं या लेडीज़ हैं तो भी कोशिश करें कि हील वाले कोई वियर मत पहने, शूज़ पहने या स्नीकर्स पहने ताकि आप वॉक कर सकें, वहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। दूसरी चीज़, आपके पास हैट जरूर होना चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है। मैं जनवरी दिसंबर में गया हूँ तो मुझे पता है कि अभी थोड़ी गर्मी वहाँ कम थी लेकिन यूजली वहाँ बहुत गर्मी रहती है, इसके अपने साथ हैट जरूर रखें और बच्चों का सर ढक के जरूर रखें। और तीसरा, सनग्लासेस,
अगर आपके पास सनग्लासेस हैं तो इवन बेटर है, आप वहाँ की चिलचिलाई धूप से बच सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको समझने चाहिए, ये बेसिक पॉइंट हैं, और भी बहुत से पॉइंट हो सकते हैं लेकिन ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो आपको जरूर पता होने चाहिए। आपको कैसा लगा जरूर बताएं।